नमस्कार। हमारी आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है जो कि समाज के लिए और सभी लोगों के लिए एक शिक्षादायक कहानी है। रमेश जी अपनी आंखों में आंसू भरे हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर निहारे जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए वो सुनहरे पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्हें अपना जीवन बहुत ही बड़ा बोझ लगने लगा था। आज सुबह से रमेश जी की हालत बहुत खराब थी। उनके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया और उन्हें उल्टियां होना शुरू हो गई। शायद रोजाना बासी खाना खाने के कारण उन्हें गैस की समस्या हो गई थी। आज उनका बेटा आकाश भी जल्दी ऑफिस अपने काम पर जल्दी चला गया था। रमेश जी ने अपनी बहू को कहा, बहू थोड़ा आकाश को फोन मिलाकर घर पर बुला लो, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब लग रही है। रमेश जी ने इतना ही कहा कि तब बहू प्रिया फोन पर चिल्ला पड़ी, बाबूजी आपको तो कोई काम होता नहीं है सिवाय मेरे पति के खर्चे बढ़ाने को लेकर। वो अभी ऑफिस काम करने गए हैं और आपके लिए काम छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहती हूँ जितना पचे उतना ही खाया करें, खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ते, सारा दिन मुंह चलाते रहते हैं। इस उम्र में भी जीभ पर काबू नहीं रखेंगे तो उल्टियाँ तो आएगी ही। बहू की खरी खोटी बात सुनकर रमेश जी चुप होकर अपने कमरे में वापस आकर बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें पुरानी बातें याद आया कि जब भी उनको उल्टियाँ या पेट खराब होता था तब उनकी पत्नी उन्हें पानी में काला नमक और नींबू मिलाकर देती थी जिसे पीने से उन्हें बहुत आराम मिलता था। नींबू पानी बनाने के लिए उन्होंने अपने पोते को आवाज़ दी और बोले, बेटा जरा सा नींबू पानी बना दो। पोता उनके लिए नींबू पानी बनाकर ले आया। नींबू पानी पीने के बाद जब रमेश जी ने गिलास रखा तो गिलास नीचे गिर गए और गिलास कांच की होने के कारण टूट गया। जैसे ही गिलास टूटने की आवाज़ प्रिया ने सुना वो अपने रूम से भागकर वहां पहुंची। अब तो प्रिया ने बाबूजी की तानों की बरसात कर दी। आप जानते हैं कि ये कितना महंगा गिलास था, आपको तो कोई काम है नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो और ये गिलास भी तोड़ दिया। बहू की ये बात उनके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। अब दोपहर के 4 बज गए थे और कमजोरी के कारण उल्टियों की वजह से उनका पेट खाली हो चुका था। तब उन्हें जोरों से भूख लगी लेकिन बहू से बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई तो वो खुद ही उठे और किचन में खाना निकाले। खाना लेकर जैसे ही वो अपने कमरे में जा ही रहे थे कि प्रिया ने उन्हें टोका, अरे बाबूजी अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपको उल्टियां हो रही थी और इतनी जल्दी आपको अब भूख भी लग गई, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी उल्टियां करने से घर में कितनी गंदगी फैल गई है, पहले जाइए और उन्हें साफ कीजिए। और प्रिया ने उनके हाथ से खाने का प्लेट छीन लिया। भूख से लाचार होकर तड़पते हुए रमेश जी केवल अपनी बहू को देखते रह गए। सुबह से शाम हो गई लेकिन रमेश जी के मुंह में रोटी का एक निवाला भी नहीं गया था। शाम को जब उनका बेटा आकाश घर लौटा जब बोला, बाबूजी क्या हुआ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रमेश जी ने अपना हाल बताया। इस पर आकाश बोला, आप मुझे बताते तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा वो बहू बोल रही थी कि जैसे ही बाबूजी कुछ कह पाते उनकी बहू उनकी तरफ देखकर गुस्से से घूरने लगी। रमेश जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, आकाश ने पूछा। बेटा वो मैं कह रहा था कि मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, तुम कल ऑफिस जाओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी आपकी दवाई तो मैं 3 दिन पहले ही ले आया था, मैंने प्रिया को दे दिया था। प्रिया तुमने बाबूजी को दवाई नहीं दी क्या? प्रिया बोली, जी मैं वो काम में भूल गई थी, आप रुकिए मैं अभी लेकर आती हूँ। अगले दिन सुबह जब आकाश उठा तो देखा कि बाबूजी किचन में बर्तन धो रहे थे। आकाश ने कहा, अरे बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं? बाबूजी ने कहा,
बेटा कुछ भी नहीं, दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। ये बात सुनकर आकाश चुप हो गया। और जब आकाश ऑफिस काम करने पर चला गया तो बहू ने बाबूजी से कहा, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर मेरी शिकायत मेरे पति से करोगे और आज आप उनके सामने बर्तन धोने लगे? थोड़ी देर बाद नहीं धुल सकते थे? आपका दिखाना जरूरी था क्या कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ? तो आज भी आपका खाना नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर रमेश जी बहू के आगे हाथ जोड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बहू 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, खाने के लिए तो 2 रोटियां दे दो। इतना कहते ही रमेश जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बहू ने थोड़ी सी दया का भाव दिखाते हुए रात की बासी रोटी दे दी और चाय देते हुए बोली, आज तो आपको रोटी चाय दे रही हूँ, पर आगे से आपने मेरी शिकायत किसी और से की तो अपना हाल सोच लें। इतना कहकर प्रिया वहाँ से मार्केट चली गई। रमेश जी रोटी चाय लेकर अपने कमरे में गए और अपनी पत्नी की तस्वीर देखते हुए बोले, देख रही हो ना तुम, ऐसा खाना भी कोई देता है? उनकी पत्नी को गुजरे 7 महीने हो गए थे और वो 7 महीने केवल वही जानते थे कि उन्होंने एक एक पल कैसे बिताए हैं। खैर, रमेश जी 2 दिन से भूखे थे तो वो बासी रोटी भी बड़े चाव से खा रहे थे। अगले दिन रमेश जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये देखना मेरा चश्मा थोड़ा टूट गया है, शाम को काम से लौटते वक्त इसे बनवाते आना। बाबूजी आपका चश्मा तो बिल्कुल ही टूट गया है। ऐसा बोलते ही आकाश ने प्रिया को आवाज लगाई और कहा, जी बाबूजी को लेकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए एक नया चश्मा भी बनवा लेना। प्रिया ने आकाश के सामने तो हम्मी भर दी, पर आकाश के ऑफिस जाते ही गुस्से से बाबूजी पर भड़क उठी, बाबूजी आपको चैन नहीं मिलता क्या? रोज कोई ना कोई नया खर्चा लेकर आ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैंने आकाश को बोल दिया, और तुम भी जानती हो मैं कभी भी फालतू का खर्चा नहीं करवाता, रमेश जी ने लाचार और बेबस भरी लफ्जों में कहा। अच्छा, कह तो ऐसे रहे हो जैसे सारा दिन ऑफिस में काम करते हो, जिसके लिए आपको चश्मे की जरूरत आन पड़ी हो। सारा दिन तो आप घर पर बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपको 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन आपको यहाँ से वृद्ध आश्रम भिजवा दूंगी। रमेश जी के पोते रोज रोज ये सब बातें सुन रहा था। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, आप दादाजी के साथ इस तरह से सुलूक क्यों करती हैं? पापा के सामने तो आप उन्हें बहुत इज्जत देती हैं और कुछ भी नहीं बोलती। ये सुनकर प्रिया ने अपने बेटे को 2 चमेट लगाई और बोली, किसने सिखाया है तुम्हें ये सब बातें? खबरदार, आज के बाद दादाजी के पास बैठे तो। बहू का ऐसा वर्ताव देखकर रमेश जी का वीजा तो मानो छन्नी सा हो गया। रोज रोज इस तरह की जिल्लत भरी हुई जिंदगी से तो रमेश जी का सहनशीलता भी जवाब देने लगा था। वो अपने बेटे से इस बारे में सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन यही सोच कर चुप हो जाता कि वो झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते थे और अपने बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते थे। रमेश जी बहुत सोचने के बाद गहरी सोच विचार में डूब गए कि क्या करूं, किससे कहूं? इन बातों का उनके पास कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। वे ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर ये बात अपने बेटे को बताएंगे तो वो बहू को नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद आकाश हर रोज की तरह ऑफिस चला गया और पोता स्कूल चला गया और बहू भी तैयार होकर मार्केट निकल गई तो रमेश जी बहुत सोच समझकर बिना किसी से कहे घर छोड़कर चले गए। आंखों से आंसुएं बही जा रही थी, बहू की एक एक बात उनके कानों में गूंज रही थी। इधर प्रिया जब घर आई तो देखी बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने घर के सभी कमरों में देखा पर बाबूजी ना मिले। अरे ये बाबूजी बिना बताए कहाँ चले गए? आने दो घर पर,
आज उनको सबक सिखाती हूँ। ज्यादा मनमानी करने लगे हैं। देखते ही देखते शाम हो गई। अब तो बेटा भी स्कूल से घर आ गया था और आकाश का भी घर आने का समय हो गया, लेकिन रमेश जी तो अभी तक घर नहीं आए थे। तभी प्रिया को घबराहट होने लगी, क्योंकि आकाश तो आते ही बाबूजी के कमरे में उनसे मिलने जाते थे। आकाश के सवालों का क्या जवाब दूंगी मैं? कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बात हो गई थी? ये सब बात सोचते ही प्रिया डर गई। आखिर आकाश ने उस पर इतना विश्वास करके उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उसे दी थी। घर आया कुछ ही देर में। जब आकाश घर आया तब बाबूजी के कमरे में गया तो देखा बाबूजी कमरे में तो है ही नहीं। इस पर उसने अपनी पत्नी प्रिया से पूछा तो प्रिया डरते हुए बोली, आज सुबह से बाबूजी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ चले गए? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं मार्केट गई हुई थी। आकाश को बहुत गुस्सा आया और बोला, अगर मेरे बाबूजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए वो बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। पहले वो आस पड़ोस में बाबूजी को खोजा। जब पड़ोसियों को बाबूजी का पता चला कि वो घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, तो उन्होंने प्रिया का पोल खोल दिया। कैसे प्रिया घर का सारा काम बाबूजी से कराती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं देती थी। ये सब सुनकर जैसे आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे वो समय याद आने लगा जब बाबूजी उसे कुछ बोलना चाहते थे पर बोलते बोलते ही बीच में रुक जाते थे। इतना लापरवाह था मैं, जो मैंने अपनी पत्नी पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने पिता की भावनाओं को नहीं समझ पाया। ये कहकर आकाश बाबूजी की खोज में हर तरफ पागलों की तरह निकल गया। अचानक उसे याद आया कि बहुत समय पहले बाबूजी अपने गांव जाने के लिए बोल रहे थे। वो वहीं के लिए निकले होंगे, वो शायद रेलवे स्टेशन पर ही हो। आकाश जल्दी से गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वहां पहुँच कर भी उसे बाबूजी भी नहीं मिले। वो थका हारा सामने ही प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। तभी उसकी नजरें सामने पड़ी तो देखा कि बाबूजी वहीं थोड़ी दूर पर बैठे हुए हैं और उनकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें रोता देख आकाश को अपने कलेजे पर 100 छुरियां चलने के बराबर एहसास हुआ। जो बाबूजी आत्म स्वाभिमान इज्जत प्रतिष्ठा से रहा करते थे, वो आज मेरी वजह से इस हाल में है। आकाश भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचकर बाबूजी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को रोता देखकर रमेश जी ने भी अपने आप को संभाल ना सके और गले लगकर खूब रोए। बाबूजी, मैं सब जान गया हूँ कि प्रिया ने आपके साथ कैसे सुलूक किया है, आप पर कितना अत्याचार किया है और आपको कितना दुख दिया है, पर फिर भी आज तक आप चुप रहे। आज तक जो हुआ सो हुआ, बस आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्रिया ने आपको जितना दर्द दिया है, उस एक एक दर्द का हिसाब उसे देना ही पड़ेगा। बाबूजी, आप मेरे साथ घर चलो। आकाश ने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर को ले जाने लगा। तभी रमेश जी ने घर जाने से इनकार कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, पर मैं वापस घर नहीं जा सकता। आकाश किसी भी तरह बाबूजी को मना कर घर वापस ले आया। घर आते ही प्रिया को देखकर बिना कोई सवाल किए ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया और आते ही उसके मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। ये सब मंजर पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर आकाश को नहीं रोका। आकाश को इतना गुस्से में देखकर प्रिया का होश ही उड़ गया था। जलील औरत, मैंने तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को देख रेख का मौका तुझे दिया था और तूने मेरे विश्वास का फायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन तूने तो उनका जीना हराम कर दिया था और मेरे सामने संस्कारी होने का ढोंग करती थी। जितना दुख तूने मेरे बाबूजी को दिया है, मैं ब्याज समेत तुझे वापस दूंगा। तू अभी इसी वक्त मेरे घर से फौरन निकल जा। आकाश ने प्रिया के मायके में फोन मिलाया ते उसकी माँ को कहा, आज और अभी से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। आप आइए और अपनी बेटी को ले जाइए,
मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। मैं तलाक का नोटिस आपके घर पर पहुंचा दूंगा। आकाश ने जो किया वो सब देखकर प्रिया हक्की बक्की रह गई। तभी रमेश जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो, मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारे बच्चे पर क्या बीतेगा। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, ये घर मुझसे पहले आपका है, इस घर के मालिक आप हो। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वो प्रिया। मुझे अपने पिता की जरूरत है पर उसे अपने ससुर की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो घर छोड़कर जाएगी। ये कहकर आकाश प्रिया के कपड़े बैग में पैक करने लगा। प्रिया जोर जोर से रोने लगी और बाबूजी के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी। बाबूजी मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, मैंने जरा भी नहीं सोचा कि माँ जी के जाने के बाद आप कितने अकेले हो गए होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज वही प्रिया बाबूजी से माफी मांग रही थी जो कभी उनके साथ नौकरानी की तरह बर्ताव करती थी। रमेश जी बहू से बोले, बहू बहू, आकाश मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं देख सकता। जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटता नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। देख निर्जल जाली मौरत, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है, तूने इन पर कितना जुल्म डाए फिर भी इन्होंने तुझे माफ कर दिया। उस दिन से प्रिया के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। उस दिन से प्रिया का व्यवहार एकदम से बदल गया। अगले दिन प्रिया सुबह बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी आपकी चाय। आज रमेश जी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून का सांस लेकर सारी चिंताएं से दूर होकर निहार रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को आकाश जैसी औलाद दे। दोस्तों, जिस तरह से हमारे माँ बाप हमें बचपन में राजकुमार और राजकुमारी की तरह पालते हैं, उसी तरह हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें बुढ़ापे में उनको राजा की तरह सेवा और उनका ख्याल रखें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।